कानपुर नगर के घाटमपुर कस्बे में स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में एक रविवार को समाजवादी पार्टी द्वारा अपना बूथ करो मजबूत के तहत बूथ समीक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों सपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मौजूद पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीना संखवार, सोमवती संखवार, अनिल सोनकर वार्षिक शैलू सोनकर ने भी पूर्व कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। समीक्षा सम्मेलन संबोधित के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री के गौतम ने कहा कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करें और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि जब पार्टी का बूथ मजबूत होगा तभी मौजूदा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य हो सकेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें और एक बार फिर से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। समीक्षा बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण राघवेंद्र सिंह यादव, रामायण प्रसाद यादव, धनीराम पैंथर, पूर्व विधायक रघुनाथ संखवार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीना संखवार, जिला पंचायत सदस्य सोमवती संखवार, विधानसभा अध्यक्ष राजू वर्मा, आर डी कुरील, ब्लॉक प्रमुख पति अजय सिंह, दीपू कुशवाहा, प्रमणी पंकज सहित दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। साथियों, ये बीजेपी की सरकार है,